तो जब हम जब फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कहते हैं इक्विटी, उसको कहते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने को इक्विटी कहते हैं। पर मैं जैसे ही शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात करता हूं तो आप सब लोग घबरा जाते हो, यस और नो? घबरा जाते हो, यस और नो? हम सेफ समझते हैं एफडी में, हम सेफ समझते हैं प्रोविडेंट फंड में, हम सेफ समझते हैं सोने में, हम यहां सेफ समझते हैं। सेफ है क्या ये पता नहीं, ठीक है ना? क्यों आप एफडी में डाले बैठे हो? क्योंकि आपको वो शॉर्ट टर्म दिख रहा है, लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा। आपको जब बच्चा पैदा हो उसको 18 साल निकाल ले वो नहीं दिख रहा, आपको हर महीने दिख रहा है। और अगर वो मार्केट आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है इसलिए आप उसको अनसेफ समझते हो। पर उसी मार्केट से अगर मान लीजिए मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे थे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं रिलायंस का मालिक हुआ कुछ हिस्सों में, ये तो समझ में आ रहा है? तो उस हिस्सों का जो मेजर मालिक है वो उसी को लेके बैठा हुआ है, तो वो अमीर नहीं बन रहा। वो कैसे अमीर बन रहा है? शांति से लेकर बैठा, शांति से लेकर, और हम अफरा तफरी में लगे हुए, इसीलिए हम पैसा नहीं कमा पाते। द की टू वेल्थ इज अनलेस यू आर नॉट एबल टू स्लीप इन पीस विद जो मेनकाएं आसपास घूम रही हो। आप मैंने कहा ना, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सोना का, नहीं अच्छा सोना क्या नीचे नहीं आता? एक दिन में 2000 रुपए थोड़ा सोना नीचे गिरा था, ये सुनो। उस दिन जौहरी बाजार जयपुर में लाइन लग गई थी सोना खरीदो। उस दिन जौहरी बाजार जयपुर में, जो जयपुर में जो गोल्ड का मार्केट है उसको जौहरी बाजार कहते हैं, जो जयपुर से परिचित नहीं है, वहां लाइन लग गई थी। और अगर इसी तरह शेयर मार्केट नीचे आ जाए तो बेचने वालों की लाइन लग जाती है। खराब क्या है, सोच या शेयर मार्केट? सोच। उसी शेयर, अब अच्छा अब आप बोले शेयर मार्केट खराब है। 1980 में पैदा हुआ था मैं, I was born in 1980, तो मेरे फादर ने डिसीजन लिया कि आशीष मेरे मान लो उस समय जन्म होने पर मेरे नानी ने और ददियाल से पैसे आए मान लीजिए, और 1,00,000 रुपए ददियाल से और ननियाल से आए। जो ददियाल से आए वो पापा को दे दिए थे, वो ननियाल से आए वो मम्मी को दे दिए, ठीक है साहब? तो ददियाल से आप पापा को दे दिए, तो पापा ने बोला इसको तो मैं शेयर में लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा तो सेंसेक्स में लगाऊंगा, लगा दिए। मम्मी के पास 1,00,000 रुपए है ननियाल से, मम्मी बोले तो मेरे परिवार से आया है, बोले मैं तो आशीष के लिए सोना दूं, बोले सोना ले। 1980 में सोना 1,500 रुपए तोला था, 1,500 रुपए आज क्या भाव है? आज क्या भाव है? 30,000 मान लीजिए, तो कितने गुना बढ़ा? 20 गुना। तो मेरे 1,00,000 रुपए जो मम्मी के हाथ में थे वो 20,00,000 रुपए हुए। 1980 की 1,00,000 रुपए और आज 20,00,000 रुपए, पैसे कौन से ज्यादा है? 1,00,000 की आज के 20,00,000, 1,00,000 ज्यादा है, और हम सोने को इन्वेस्टमेंट मानते हैं। मैंने आज से 37 साल पहले गोल्ड में डाला, इसकी कीमत ज्यादा थी, और आज 20,00,000 रुपए उसकी कीमत 20,00,000 की नहीं है। उस समय 1980 में 1,00,000 की बहुत बड़ी कीमत थी, आज 20,00,000 की कीमत नहीं है, पर मैं उस सोने को सेफ मानता हूँ। कम टू पापा पॉइंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेयर्स में लगाया। उस टाइम सेंसेक्स होता था 100, आज का है 30,000, मतलब वो 1,00,000 रुपए की कीमत कहाँ है? 1,00,000 रुपए की कीमत कहाँ है? 3 करोड़। कितने? 3 करोड़। और मैं किसको अच्छा बोलूं? समझ मेरी, समझ वो 1 करोड़, 1,00,000 का 3 करोड़ हो गया, और ये 1,00,000 का 20,00,000 है। But I love this, can I get that? This is my mindset. बिजनेस के माइंड से सोचो, तो वो बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, तो जब बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं तो उसको छोड़ा जाता है कि उसको संभाला जाता है। अगर मान लीजिए मैं कॉमन सेंस से बात करूं कि आपके बिजनेस में, मैं बिजनेस में हूं, बहुत तकलीफ आगे बिजनेस में, तो क्या करोगे आप? क्या समझाओगे बालाजी बिजनेस पर ध्यान ज्यादा दो, यस और नो? या बोलोगे बिजनेस को छोड़ दे बादशाह? आप बोलोगे जब ध्यान देना बहुत आसान है, पर वही अगर बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसको मैं सेंसेक्स कहता हूं, तो अगर वो नीचे आ गया तो क्या करते हम लोग? हम भाग जाते हैं, हम वी रन अवे फ्रॉम इट, दैट्स व्हाट वी डू, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। अब अगर मैं उस गेट रिच क्विक
पे आता हूँ तो मैं इफेक्टिवली जल्दी जल्दी कमाने के उधेड़ घूमने लगा रहता हूँ, मैं जल्दी जल्दी कमाने के उधेड़ घूमने लगा रहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि पिछले 3-4-5-10 सालों में ज्यादा किसने कमाए। तो मैं कभी रियल एस्टेट के पीछे भाग रहा हूँ, कभी मार्केट के पीछे भाग रहा हूँ, और कभी मैं गोल्ड के पीछे भाग रहा हूँ। जब मैं रिच गेट रिच क्विक मिशन में जाता हूँ, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, देखिए 2013 में मैंने एक लेख लिखा था कि प्रॉपर्टी वुड कोलैप्स। तब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि उसने पिछले 5-6 साल प्रॉपर्टी के जबरदस्त रिटर्न आए, तो लोगों ने क्या बोला, इसमें ज्यादा पैसे बनते हैं, इसमें डालो, ठीक है। 2011 में गवर्नमेंट को गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ी, क्यों? क्योंकि लोग इतना ज्यादा गोल्ड खरीद रहे थे कि इंडिया का जो डॉलर था, इंडिया में गोल्ड बनता नहीं, तो इंडिया को डॉलर बाहर भेजना पड़ता था और गोल्ड खरीदना पड़ता था, और डॉलर अगर भेजोगे तो हमारे पास नहीं है तो फिर ऑयल कहां से खरीदोगे, इसलिए गवर्नमेंट को इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ी। और 2011 में हम लोग सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदते थे, क्यों खरीदते थे, क्योंकि गोल्ड उस टाइम 3,500 रुपए तोला। आज से छह साल बाद 2017 में भी वो 3,500 का नहीं, 10% नीचे है, पर किसी को फोड़ी है हमें। आज से 6 साल बाद भी वो पैसा 10% नीचे है, मतलब अगर आपने 33,000 के भाव पे गोल्ड खरीदा है तो आज भी उसके भाव 10% नीचे है, कितना वो फोड़ी है। आज अगर 10% और टूट जाए तो और भी और बोलो, राइट। लेकिन क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा चीज महंगी होती जाती है, हमको इकोनॉमिकली उसको नहीं खरीदना चाहिए, पर इन्वेस्टमेंट में हम उल्टा करते हैं, उसको उतना ज्यादा खरीदते हैं। सेंसेक्स जो कि 2002-2003 में 33,000 का हुआ करता था, उसमें पूरे इंडिया ने मिलकर 118 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, वही सेंसेक्स जिसको लोग बुरा वाला कहते हैं, 2007-08 में 21,000 का मार्केट था, उसमें 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। कितना? क्योंकि उसके पहले के 5 साल सेंसेक्स के बहुत अच्छे थे, 2011 के पहले के 5 साल गोल्ड के लिए बहुत अच्छे थे, और 2013 के पहले के 5-6 साल रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छे थे। तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? उसके पीछे जिसका इमीडिएट पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो आयराम के साथ गयाराम और गयाराम के साथ गयाराम, ऐसा तो बोलते ना वो। तो हम अब इन्वेस्टमेंट आगे के लिए कर रहे हैं कि पीछे के लिए कर रहे हैं? देखते कहाँ हैं? अगर गाड़ी पीछे देख के चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा या आगे बढ़ोगे? पर हम एक्सीडेंट कराने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं साहब जी, हम गाड़ी पीछे देखकर चलाते हैं कि पहले क्या हुआ उसको देखकर हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो पीछे देखते रहते हैं, गाड़ी बढ़ जाती है, फिर बोलते जी मार्केट खराब है। ऐसा गोल्ड के लिए कोई नहीं बोलेगा, रियल एस्टेट के लिए कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां कुछ कुछ कर ही नहीं सकता, सामने कुछ चीज दिख रही है। प्रॉब्लम ये है कि आपके आंखों के सामने कुछ चीज नजर आ रही है, आप उसको अपना माने बैठे हो। यस, आपके पास अगर कोई शेयर है, आपको दिखता नहीं है, आप उसको पराया मानते हो, मेरे को दिख ही नहीं रहा हूं, तो आपको दूर। अब अगर मैंने ये बोला कि मैंने ये शेयर मेरी डॉक्टर की शादी के लिए लगा है, तो मैंने उससे कहीं गोल्ड लिंक किया है। आप गोल्ड में गोल्ड लिंक करते हो, जमीन लेते हो तो गोल्ड लिंक करते हो, एफडी करते हो तो गोल्ड लिंक करते हो। मैंने अपनी बच्ची के लिए, मैंने अपने डायमंड के लिए, मैंने इसके लिए, मैंने उसके लिए किया है, ये सुनो। पर जब हम शेयर्स में डालेंगे तो कोई गोल्ड लिंक नहीं करते, हम जल्दी से पैसा कमाना चाहते, ऐसा होता नहीं होता। हम क्या गोल करते हैं कि ये मैंने पढ़ाना चीज इसके लिए कर दी है, क्योंकि जब तक वो गोल लिंक नहीं करेंगे, जब तक कोई इसको एंकरिंग नहीं दोगे, एंकरिंग किसी गोल का, तब तक वो इन्वेस्टमेंट बेकार है। तो गोल्ड खरीद समय बेटी के लिए, बेटे की शादी के लिए, जमीन खरीद समय ये करने, एफडी करने तो उसके लिए। लेकिन जब आप फाइनेंशियल असेट्स में, म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में पैसा लगाते हो तो गोल्ड लिंकिंग नहीं करते, इसीलिए उसको अपना नहीं मानते, पराया मानते हो। तो जैसे गोलू वहां झटका आने वाला है, आ सकता है, तो हम घबरा जाते हैं और वहां नहीं जी, अभी तो बच्ची की शादी बहुत दूर है, बाद में बेचना है, अभी कौन सा बेचना है, हमें ये बोलेंगे ना, हमें अभी कौन सा बेचना है, सोना ठीक है मिलता है तो अभी कौन सा बेचना है, हम ये करते हैं। तो इफेक्टिवली वहां पे जाते हैं, गेट रिच क्विक मिशन, हम उस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं जो ज्यादा महंगी हो चुकी है और वही हमें मानते थे। अब आप समझिए कि आप
अब सोचिए सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस में पैसा लेके बैठा हुआ है और वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, और हम उस बिजनेस में पार्टिसिपेशन न करके हम बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, तो कैसे पैसे कमाएंगे? राइट। सो स्टॉप चेजिंग द बेस्ट, स्टॉप चेजिंग द बेस्ट एंड गिव फोकस ऑन योर गोल्स एंड मेक थिंग्स हैपन। इफ वी चेज रिटर्न, सबसे बड़ी थी मैंने वो बताया ना, एक आदमी घूमता फिरता रहता है, घूमता फिरता रहता है, मैंने बताया पहले, और एक आदमी साफ से शांति से बैठा है, वो शांति से सोने वाला आदमी वो है जिसने अपने इन्वेस्टमेंट को गोल से लिंक कर रखा है, और वो जो बार बार कर रहा है वो आदमी है जो जल्दी पैसा कमाने के उसमें इच्छा में भागा दौड़ी कर रहा है, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी ऐसा करेगा, और वो जाके मर जाता है। पॉइंट इज वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन इज नेवर अ स्मूथ राइड। तो जिसे कहते हैं कि देयर इज नो पेन। स्टूडेंट को बैठे बैठे मार्क्स मिलेंगे, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना, और जो जितनी पढ़ाई करेगा उसको तकलीफ तो आती है भाई, आज बैठ कर 8 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करने में तकलीफ तो आती है, पर वो जो अपनी तकलीफ के परे सोचता है वो अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। हम इन्वेस्टमेंट में क्या चाहते हैं कि हमें तकलीफ कुछ ना है, हम बस बैठे बैठे कमा ले, तो इसलिए हम FD ले लेते हैं, हम इसलिए PPF में डाल लेते हैं, हम LIC कर लेते हैं जो हमें समझ में आती नहीं, क्यों? क्योंकि हमें तकलीफ होगी नहीं इंटरमीडिएट पीरियड में। FD नीचे जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है ना, रियल एस्टेट जाती तो है बहुत नीचे पर हमें दिखती नहीं नीचे जाते वक्त, तो हम जो हमको लगता है वो जाएगी नहीं, ठीक है ना। गोल्ड नीचे जाता है, दिखता भी है, पर हम उसमें हम इसको ध्यान देते नहीं। बट सो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं हो सकती, हम चाहते हैं स्ट्रेट लाइन में हम आगे बढ़े। वेल्थ क्रिएशन इज ऑलवेज गोना बी समथिंग लाइक दिस, ऑलवेज गोना बी समथिंग लाइक अ रोलर कोस्टर। उस रोलर कोस्टर राइड में मैं कितना तसल्ली से अपने आप को संभाल पाता हूं, उस रोलर कोस्टर राइड में अपने आप को कितना तसल्ली से संभाल पाता हूं उससे डिटरमाइन होता है कि मैं अपना पैसा बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। वेल्थ क्रिएशन इज वेरी सिंपल, इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट ईजी। इस चीज को समझेगा, पैसा बनाना बेहद सिंपल है पर आसान नहीं है, ईजी नहीं है, इट इज नॉट ईजी। मेडिटेशन का मैंने एग्जाम्पल लिया था, कितना आसान है मेडिटेट करना, बैठना समाधि लगा के 1 घंटा, बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, पर वो कुछ ना करने में जो तकलीफ होती है वो बहुत बड़ी होती है। अच्छा मान लीजिए साहब आपकी सैलरी 1 लाख रुपये महीना है, मैंने पूछा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब साहब की सैलरी 1 लाख रुपये महीना, सुनिएगा ये वाला फिक्स, ही अर्न्स 1 लाख रुपये अ मंथ। मैं इनको ऑफर दे रहा हूँ कि सर आपको 3 लाख रुपये तनख्वाह दूँ, वुड यू बी हैप्पी? सुबह 10 बजे आएंगे और शाम को 6 बजे उस कुर्सी से अलावा मिलना नहीं है आपको, खाना खाली को उठिएगा फिर वापस कर देंगे, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना, और सैलरी होगी 3 गुना, सैलरी होगी 3 गुना, अभी मगजमारी करनी है, अभी कुछ नहीं करना, आप कर लेंगे नहीं? अभी मैंने बोला यार जिंदगी अभी साइड जाकर बहुत बहुत सिंपल तो बहुत आसान नहीं है, यही तकलीफ है इन्वेस्टमेंट।
अशांति से बैठ नहीं सकता और वो अशांति मचाता रहता है और वो अशांति मचाने पे आपका मालिक होगा। इन्वेस्टमेंट में मैंने कहा लोग इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंट लोग भी ज्यादा कमा पाए और उस इंटेलिजेंट के चक्कर में कमा नहीं सकते। और क्या होता है फाइनेंशियल एसेट्स में तकलीफ क्या होती है, फाइनेंशियल एसेट्स आपकी उंगलियों पे होता है, आप कभी भी बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, सब कुछ आपके कब्जे में होता है। तो आप कुछ करने के इच्छुक हो जाते हो, कुछ करने के लालायक हो जाते हो कि मैं करूँ कुछ, और वो कुछ करने पे आपकी मुसीबत आ जाती है। सो द प्रॉब्लम इज दैट वेल्थ गेट्स क्रिएटेड व्हेन यू आर इनएक्टिव, वेल्थ गेट्स क्रिएटेड व्हेन यू आर इनएक्टिव। जमीन पे शांति से बैठे हैं, सोने पे शांति से बैठे हैं, पर जब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप शांति से नहीं बैठ सकते। आप उछल-उछल मार्केट में तो नहीं, आपके अंदर उछल-उछल आ रहा है एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट यू डोंट मेक मनी एंड मनी मेकिंग इन दैट शेयर्स और म्यूचुअल फंड इज फिनोमिनली इजी, इज फिनोमिनली सिंपल, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज़ आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। आप इंटेलिजेंट बनते हो क्यों, ऐसा करे वैसा करे ये करे वो करे कुछ ना कुछ करने में लगे रहते। तो पॉइंट इज टू क्रिएट वेल्थ यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन वेकेशन, भूल जाओ, ठीक है ना, थिंक लॉन्ग स्टे स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, थिंक लॉन्ग, लंबा सोच के अपने मन को संभालना पड़ता है, वो निवेशक की भूमिका निभानी पड़ती है। जमीन में आदमी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बिकती नहीं, कोशिश करो बेचने की, बिके नहीं, आपके हाथ बंधे हैं, जाओ तो आज बेच दो, पर हाथ बंधे हैं, कुछ नहीं कर सकते जिसे जाते बैठा तो, पर वो हाथ फाइनेंशियल असर पे बंधे नहीं होते, आप कुछ ना कुछ करने को देर लगे। एंड यू वॉन्ट टू लेट मनी वर्क फॉर यू, टिप फॉर द बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम्स, कौन है इन्वेस्टर दुनिया का सबसे अच्छा, वॉरेन बफे से एक बार पूछा गया कि मालूम है कौन है साहब, एनीवन नोस हु इज ही, इसकी क्या स्टोरी है। ये एक गरीब किसान का लड़का था, ये एक गरीब किसान का लड़का था, ठीक है, इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, ये गोल्फ बॉय था अपनी स्टार्टिंग की लाइफ में, गोल्फ बॉय कैडी बोलते हैं उसे, ही वाज अ कैडी, एक्सक्यूज मी, ही वाज अ कैडी गोल्फ बॉय, और आज इनकी दौलत इज ओवर 4.5 लाख करोड़, कितने होते हैं जी 4.5 लाख करोड़, उसको अगर शब्दों में मतलब फिगर से बोला जाए तो 4 के आगे 5 और 5 के आगे 13 अंडे लगते हैं, तब जाके वो 4.5 लाख करोड़ होते, इतना पैसा है उसके पास, कैसे कमाया, चाइल्ड ऑफ ए वेरी पुअर फादर, रियल एस्टेट में, इसके बाद रियल एस्टेट के नाम पे 3 बेडरूम का ओहायो में एक मकान है जो उसने 1951 में खरीदा था और तब से लेके आज तक उसी में रहता है, डजंट हैव एनी रियल एस्टेट, कैसे कमाया, ही इन्वेस्टेड इन बिजनेसेस, ही इन्वेस्टेड इन। अब आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाओ शेयर मार्केट में को शेयर ढूंढो, मैं ये नहीं कह रहा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज हिज फिलॉसफी। सो ही वाज वंस आस्क्ड इन एन इंटरव्यू व्हेन ही वाज सिटिंग विद, ही वाज सिटिंग अलोंग विद मिस्टर बिल गेट्स, एक इंटरव्यू YouTube पे आप देख सकते हो, बिल गेट्स और ये साथ साथ बैठे हुए थे, ही वाज वंस आस्क्ड मिस्टर बफेट व्हाट्स योर बिगेस्ट फाइनेंशियल ब्लंडर यू हैव एवर डन, हु इज द जर्नलिस्ट आस्किंग, Warren Buffett, who is the most successful investor. So even the perfect is also imperfect. So the journalist asks him, Mr. Buffett, what's your biggest financial blunder? He then said, I started investing 11 years late. So the immediate question which was asked to Mr. Buffett was, when did you start investing? When did you start? आपने कब चालू किया? He said at the age of 11. What he wanted to say that the rich, the poor people run behind money. He said in one of his quotes that the poor people run behind money, the rich people, the wealthy people run behind time.
ही सेड इट इज अ टाइम दैट क्रिएट्स मनी, इट इज अ टाइम दैट क्रिएट्स मनी नॉट द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ टाइम दैट क्रिएट्स मनी नॉट द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल ऑफ अमर अकबर एंड एंथनी. Here is a very simple example. I keep quoting. I'll take 2 minutes of yours and I'll do some Excel calculation. Next time you want Amar Akbar Anthony Ghani, sabne suni hai. Ek baap ke teen bete the, to teenon ne alag alag tarah ke gharon mein chale gaye. So there's a financial story of Amar Akbar Anthony. I'll do some number game here in front of you. That what Amar did, what Akbar did, and what Anthony did. And all three wanted to save for their retirement. All three wanted to save for their retirement. Now let me take you to the studio from Amar Akbar. And that will be the key to what wealth gets created. एक लाख 30 हजार
वो भी नहीं हुई, 1,40,000 वो भी नहीं हुई, 1,50,000 मोटा मोटा 1.5 लाख रुपये महीना, 1.5 लाख रुपये महीना। वो तो शो बाई दिस कि समर आप जब तक जल्दी चीज काम नहीं करोगे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए ये चीज लागू होती है, जिस दिन सेशन चालू हो पढ़ाई करना चालू करोगे थोड़ा थोड़ा करोगे ही तो भी फर्स्ट आओगे, वो ज्यादा करने की कोशिश में कुछ नहीं करता है, राइट। अब आप समझिए कि क्यों फाइनेंशियल एसेट्स में और क्यों शेयर्स में पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। आपके पास मैम आज 8,000 रुपए, 8,000 रुपए क्या करोगे आपके पास? कुछ भी नहीं, देर से ले सकते हो, नहीं ले सकते, कुछ नहीं। आप क्या करोगे? पढ़े रहोगे। आप क्या करोगे आपके पास? कुछ भी नहीं। तो आप क्या सोचते हो? जी रियल एस्टेट बेस्ट है, फर्स्ट कर लीजिए आप मान लो। तो आप 8,000 इकट्ठे करते जब तक 8,00,000 रुपये नहीं होंगे तब तक तो कुछ करोगे ही नहीं, तो तब तक तो 4 साल निकल जाएंगे, 5 साल निकल जाएंगे, तब जाके 8,00,000 होंगे, फिर उस 8,00,000 को ले से एक प्रॉपर्टी में लगाओ, तो आपने 5 साल गवा दिए उस 8,00,000 को इकट्ठे करते हुए नंबर, ठीक है ना। तो लेकिन जहाँ से मैं चालू कर सकता हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँ, मैं आज उस 8,000 से 2,000 से 5,000 से 10,000 से जो भी मेरे पास हर महीने पैसा है मैं उसको जोड़ सकता हूँ, उसको सबसे ज्यादा समय दे सकता हूँ, या सुनो आज मेरे महीने में मैं कुछ पैसे बचाया, कुछ पैसे बचे मैं उसी को अगर लगा दूं तो किसको सबसे ज्यादा समय मिलेगा, उसको वाले को या रियलिस्टिक जो मैंने आज लगा दिया। सो समय, सो इफ यू रियली वॉन्ट टू क्रिएट वेल्थ, you want to become the richest, one of the richest, you've got to make sure that you are starting early. That's the key to wealth. Key to wealth ko mere paas jadoo ki chhadi nahi hai, ya mere paas koi tip nahi hai, ya koi tip nahi hai, ya koi mantra wo nahi hai jo aapko liye aapne kar diya, sab kuch nahi hoga. It is all about starting early. Aur start early aap aasani se kar sakte ho. Usme agar aapne business ka madhyam apna liya, बिजनेस मींस इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और शांति से बने रहे तो इतने पैसे बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे कि आप उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम इज वो रास्ता आसान नहीं है, तो पैसे कमाना कौन सा आसान है? आपको मगजमारी कितनी करनी पड़ती है 1,00,000 रुपये कमाने की, पर हमारे इन्वेस्टमेंट को भी तो मेहनत करनी है, हम उस मेहनत नहीं कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट उस पैसे को तकलीफ नहीं देना चाहते, उसलिए हम उसको शांति से एफडी में रख देते हैं, आरडी कर देते हैं, और वो इतने कछुए की रफ्तार से बढ़ता है। गलत नहीं है एफडी पर कब, गलत नहीं है एफडी पर कब यूज आएगी? जब बच्चा 18 साल का हो जाए, बच्चा ये 18 महीने का है तो एफडी कराना समझता नहीं, तो उसको टेक दौड़ाना है, उसको इक्विटी में डालना है, पर इक्विटी में डालने के लिए खुद की एक पेशेंस होना जरूरी है कि वो ऊपर नीचे में ही चलेगा, वो उसके बिना नहीं हो सकता। So key to wealth creation, if someone were to ask me, ये सबसे आसान 5 नुस्खे हैं साहब। Number 1, save, start। आज बचाना चालू करो, आज जोड़ना चालू करो, उसको invest करना चालू करो। Start where you are। दशा नहीं दिशा महत्वपूर्ण होती है। आज तक क्या हुआ उसका कोई relevance नहीं है। आज से मैं किस direction में जा रहा हूँ वो relevant नहीं है। तो आज से क्या किया? Save, start immediately। Second, think long term। जब तक दूर की दृष्टि से नहीं सोचोगे तब तक कभी पैसे नहीं कमा सकते। Unless you are not a long term thinker, you cannot make money. If you are a shop, because wealth creation is a matter of time. Compounding is the 8th wonder of the world, that's what Einstein said. And compounding only happens when you give time to. Third, be disciplined. If you are not disciplined in your thoughts, discipline not in terms of the way you dress up or whatever, in your thoughts, हम आज कुछ कर कल कुछ तरीके से सोचें, वो नहीं चल सकता। हम वेरिएबल हो गए आपकी समझ में। आज देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जब चीजें तेज चल रही होती है सबको अच्छा लगता होता है, और जब वो मंदी में आती है तो सब घबराते हैं। आप जब तक विहिता की बात है, जब तक संभाव में नहीं रहोगे ना सुख में ना दुख में,
ना उथल पुथल में, अपने आप को भाव अपने आप को जब तक शांति पूर्वक नहीं, मतलब दोनों ही अवस्था में जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं रख सकते, ना तेजी में तेजी का गुणगान करो ना मंदी में रो। निवेशक तेजी में बहुत ज्यादा उछलता है। मैं अभी भी 2013 का मुझे वो याद है, जब मैं किसी सीमेंट वाले से मिलने गया था, उसने मैंने बोला कि क्या कर रहे हो, इसमें रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, अपनी सीमेंट की दुकान टॉप रोड पे बंद करके रियल एस्टेट काम कर रहे हैं। मैंने अपने प्रिंटिंग वाले को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब वो प्रिंट करा रहा है, बोले जी आप स्टोर से करवा लो, मैं तो रियल एस्टेट में घुस पाऊँ। तो जब गहरा गहरा नथू है जिसको कुछ समझ नहीं आता, वो भी भाग रहा है अंधी दौड़ में, तो साहब मौत आ गई। 2008 में नीचे हमारे बिल्डिंग में पार्किंग वाला था अग्रवाल साहब, वो मैंने कहा जी तुम पार्किंग के पैसे तो ले लिया करो ऑफिस के, मैंने मेरी गाड़ी लगा दो पार्किंग के ठेके पे उठ के, मैंने पैसे तो लिया करो। बोला यार पता नहीं जी आप कहाँ जाओगे, आपसे तो बात भी ले लेंगे। मैंने कहा कहाँ हो आजकल, बोले जी मैं तो शेयर ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने कहा मौत आ गई। जिसको कुछ समझ नहीं हो लेकिन वो अंधी दौड़ में घुस चुका हो, उसने 6 लाख रुपये दबा दिए, शेयर मार्केट खराब नहीं था, उसकी समझ खराब थी, उसकी बुद्धि खराब थी, वो अपने आप को सम दृष्टि में नहीं कर सका, अपने आप को बैलेंस नहीं कर सका। दुख में से एक ना चुका गीता है, इन्वेस्टमेंट इज प्योर गीता, प्योर मैनेजमेंट, सिंपल मैनेजमेंट, एंड बी फोकस। मैं जब एलएम में कोटा जाता हूं तो वहां पे कोई 2 लाख बच्चे पढ़ने आते हैं कोटा में, 2 लाख में से 90% तो देखा नहीं भी आते, उनको पता ही नहीं करना क्या, वो तो इसलिए आते हैं क्योंकि कोई दूसरा उनका दोस्त भी आ गया। केवल 10% लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं वो समझ कर आते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, उनको अपना वाय होता है, उनको अपना वाय होता है, बाकी 90% तो देखा नहीं दिया, तो कुछ तो करेंगे कम कर जाते हैं। कौन कमा रहा है? एलन कौन ट्यूशन दे रहा है, कमा कौन रहा है? उस 90% लोगों में कमा कौन रहा है? वो 90% से वो एलन कमा रहा है, 5-10% से नहीं कमाता है। The more you try to act intelligently, the more you will not make money. The more you look at media, you will not make money. The more you will get into क्या मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, you will not make money. You have to remain simple, stay. हम कॉम्प्लीकेटेड चीजों को अच्छा मानते हैं। देखिए समझिएगा इस बात को। सर एक सेकंड आप सर आपने दुनिया देखी हमसे ज्यादा, ठीक है ना, आप मान लीजिए शर्ट में ड्रेस में और 4 दिन के लिए आपको यही ड्रेस पहननी पड़ी, और मान लो जंगल में कहीं रेगिस्तान में कहीं खो गए तो रहने रहने पड़ेगा, रहना पड़ेगा। पर ये शादी में गए और यहां उन्होंने जोधपुरी सूट पहना हुआ, मैं इनको बोलता हूँ ये 4 दिन पहने लो, पहन पाएंगे? आप शादी में जानते हैं बनारसी की साड़ी पहन ली आपने, कुछ सूट पहन लिया, घर आते क्या पैसा बोलो क्या पहनते हैं घर में जो सिंपलिसिटी लॉन्ग टर्म अच्छी लगती है, कॉम्प्लेक्सिटी शॉर्ट टर्म में ही प्रॉब्लम दे देता है। तो हम अगर अपने जब तक फाइनेंशियल हैकर्स को सिंपल ही बनाएंगे लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते, और लॉन्ग टर्म नहीं बनाएंगे तो लॉन्ग वेल्थ वैसे ही। हमारी तकलीफ यह है कि हम अपने फाइनेंशियल मैटर को बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, वो शहर सी कहानी बना लेते हैं, उसको खुद को पता नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ। सो इफ वॉन्ट टू मेक वेल्थ कीप इट सिंपल, बट वेन यू थिंक टू कीप इट सिंपल, हमें लगता है सिंपल से क्या होगा, जब तक हम बहुत कुछ नहीं करें पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ये उदय में करके हम अपने आप को वापस कॉम्प्लेक्सिटी में ले जाते हैं।
बिकॉज सिंप्लिसिटी, मैं डॉक्टर से मिलने गया था साहब, तो डॉक्टर से मिलने गया तो मैंने कहा साहब मेरे ना कमर में जो तकलीफ होगी, अच्छा आशीष ऐसा करो जाओ, और मैं एक घंटा सुबह सुबह ब्रिस्क वॉकिंग करा। सर सर बहुत तकलीफ है यहाँ पे ना, पूरा बैक में दर्द रहता है, पैरों में दर्द जा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बोले आशीष स्मोक करते हो? मैंने कहा नहीं साहब। और अच्छा ठीक है, थोड़ा अपना वजन कम है ना, ठीक हो? मैंने कहा ठीक हो जाए। मैंने कहा साहब कोई दवाई वगैरह? बोले जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा सर MRI तो करा लो, कल कोई डिसकम्प्रेशन हो ऐसा हो ऐसा हो। बोले कुछ जरूरत नहीं है। बोले प्रॉब्लम मालूम है आशीष क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ सर बताओ। प्रॉब्लम ये है कि तुम मुझसे कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन चाहते हो, तुम उसे कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन चाहते हो। सर अगर MRI बताएंगे तो 5,000 रुपये MRI दोगे, 3-4-5 कैप्सूल लिखोगे। तुमको जो मैं सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूँ, उस सिंपल सोल्यूशन में तुमको अपने आप को चेंज करना है, अपने उस बात अपने उस शैली जीवन शैली में बदलाव करने हैं। फिर सुबह 5-5 जो उठो बाप एक घंटा घूमने जाओ, ऐसा करो, थोड़ा वजन कम करो, ये करो, ये सब ना, और उसमें तुम्हें तकलीफ उठाएगी उठानी पड़ेगी। तुम क्या चाहते हो? मेरे पे तकलीफ डाल रहे हो कि डॉक्टर साहब को दवाई देंगे तो मैं दर्द ठीक हो जाऊंगा, तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, तुम मेहनत खुद नहीं करना चाहते। बोले ऐसे कुछ होता नहीं आशीष, मैं तो लिख दूंगा 4-6 दवाई लिख दूंगा, मेरे के अंदर MRC कमीशन और आएगा मेरे को, बट दैट इज नॉट वॉट इज रेलिवेंट फॉर यू। नेगोशिएशन भी कुछ ऐसा ही ट्रीट करते हैं, वो चाहते हैं कि आशीष आप कुछ ऐसा बता दो जिससे कि हम बहुत कुछ कमा लेते, कुछ ऐसा होता है। तो वो जो पेशेंस का जो ओनस है, जो आप पेशेंस रखने की बात कर रहा हूँ, जो धैर्य रखने की बात कर रहा हूँ, जो पैसे बचाने की बात कर रहा हूँ, उससे आप लोग बचना चाहते हो, बोलते हो ओनस किसी और पे वहाँ पे बढ़ जाए ताकि फिर आशीष देखो तुमने फंसा दिया मेरे, आप ये चीज़ करो, इसलिए पैसे नहीं कमा सकते। दुनिया का कोई भी माई का फाइनेंशियल एडवाइजर हो, वो आपको कोई सलाह नहीं देता कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा होता है, किसी को कुछ नहीं पता। लेट मी कन्फेस यू फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सन, किसी को कुछ नहीं पता। भगवान को अगर किसी को दूर दृष्टि या भविष्य देखने की इजाजत देनी होती तो पहले ही दे देता, पर भगवान ने ये राइट हमसे छीना हुआ है। गीता में लिखा है कि ये राइट भगवान ने छीना हुआ है, वो आगे की हमको कोई नहीं बता सकता। और वो जो आगे की आपको बताने की कोशिश करता है ना कि ये प्रोडक्ट अच्छा है वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो ध्यान रखना ठग रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। There are certain simple basic principles of financial management which you have to follow it religiously. अब आपके जो स्टूडेंट होते हैं और आप जो हो वो एक जैसे ही हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें फॉलो करो, ज़रा 2 घंटे पढ़ाई करो, घर में ऑफिस में कभी क्लास में ढंग से टीचर को सुनो करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो टीचर जो है स्टूडेंट जो है गूगल बाबा लेके आपके सामने आते हैं, सर मैंने इंटरनेट में ये पढ़ा था वो पढ़ा था फलाना था। उनको क्या लगता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेज है, उनको लगता है कि इंफॉर्मेशन जो गूगल में देख रहे हैं वो नॉलेज होती है, और वो इंफॉर्मेशन ले लेके आपके पास आते हैं, उनको समझ भी नहीं आता। नॉलेज एंड विजडम इज समथिंग व्हेन यू नो हाउ टू अप्लाई दैट इंफॉर्मेशन इन प्रैक्टिकल पर्पस, दैट इज व्हाट नॉलेज एंड विजडम इज। सो दे कैरी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट दे डोंट हैव विजडम, दैट्स व्हाट यू हैव व्हेन यू इंपार्ट द नॉलेज टू द किड्स, राइट। फाइनेंशियल एडवाइजर का कुछ ऐसा है, आप लोग जगह जगह कुछ इंटरनेट पर सर्च करोगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट फलाना ढिका ये वो, आप सोचा ये सब होता है, ठीक है ना, बेस्ट म्यूचुअल फंड बेस्ट से बेस्ट फलाना ढिका, कुछ नहीं है बेस्ट। बेस्ट निवेशक हो सकता है, मेरी पूरे इस सेशन में 3 सेशन में यही कोशिश थी कि क्या मैं आपको एक अच्छा निवेशक बना सकता हूँ, बियॉन्ड दैट एक भी प्रोडक्ट की चर्चा मैंने करी नहीं क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता, नॉट दैट आई कांट आई डोंट नो, right now that's what I conclude my session with. I have been so I am well on time, my 5:30 alarm, thank you for that. If anyone has a question to us, I am all open to answer. हाँ जी आपने मैंने मेरे financial goals में investment करा देखे उसको कैसे यूज करना है क्या करना है उसको चर्चा बात करेंगे। टूल सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है खुद को समझाना, उसको संभालना, एक बुक नहीं, एक बल्ला नहीं, एक मसाला नहीं। आप अगर अच्छे शेफ बनना चाहते हो, अच्छे बल्लेबाज बनना चाहते हो, अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो खुद को समझना, खुद को संभालना,
रिवर्सल भी ऐसा ही होगा, कोई पैसे इन्वेस्टमेंट तो मुझे नहीं। हाँ जी, और देख नहीं सकता आगे का। लेकिन सर एक फैक्ट ये भी है, जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम पीछे का ही रिकॉर्ड देखते हैं, उसके बाद कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, तभी तो मरते हैं, तभी तो मरते हैं। ये तो देखिए बिना कैसे करेंगे, देखिए प्रॉब्लम ये है, अगेन मैं गीता की बात पे रहा हूँ। तो कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, तुम फल की चिंता ना करो, तुम कर्म करो, ये बोला उसने, ठीक है ना। आप निवेश करो, आप रिटर्न के पीछे भाग रहे हो, आपको पहले रिटर्न ज्यादा कमाना है, तो आपने पहले रिटर्न को देव देव बना लिया। एक बचपन में एक कविता होती है, हाँ जी सॉरी, रिटर्न, ओके मैं समझिए इस बात को, रिटर्न इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर गुड फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटर्न इज नॉट द रीजन फॉर विच यूर इन्वेस्टिंग। ये बात समझने की है, रिटर्न इज नॉट द रीजन फॉर योर इन्वेस्टिंग। जब मैं जेब में 1,000 रुपए 2,000 रुपए लिए घूमता हूँ तो रिटर्न तो नहीं आता है, पर फिर भी मैं 2,000 रुपए हमेशा ही अपने जेब में रखता हूँ, जो क्योंकि मेरा प्लानिंग है इमरजेंसी। तो मैं रिटर्न के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ जेब में रहे तो रहे, चाहे मैं कुछ भी ना कमाऊँ, मेरे काम भी नहीं आने वाले सालों पर, क्योंकि मेरे को जरूरत ही ना पड़ेगा, लेकिन वो रहेंगे अंदर वाली जेब में। तो कहाँ रिटर्न, नहीं मुझे गोल मैनेजमेंट करना है। अब उस गोल मैनेजमेंट में अगर मेरी डॉटर की एजुकेशन 18 साल बाद है तो इन्फ्लेशन क्योंकि बहुत ज्यादा है तो मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए। रिटर्न ज्यादा कब चाहिए, जब मेरा गोल दूर है और इन्फ्लेशन ज्यादा है। रिटर्न कब कब कम कब चाहिए, जब गोल पास है और मेरे को रिटर्न की चिंता नहीं, मुझे गोल पूरा करना है। तो मैं रिटर्न के लिए नहीं, रिटर्न इज द बाय प्रोडक्ट। दूसरी चीज, एक बचपन में एक पहेली सुनते थे हम लोग, बचपन में हमने सुनी, आप लोग सुनी होगी, लग लग कहे को ना लगे बिना कहे लग जाए, पूछो क्या, लग लग कहे को ना लगे बिना कहे लग जाए। होठ, होठ तो लग लग कहते तो होठ लगते नहीं है, पर ब में लग जाते। इसी को मैंने जब इन्वेस्टमेंट में किया तो जो लोग रिटर्न 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 करते हैं रिटर्न मिलते ही नहीं, और तो रिटर्न के पीछे नहीं भाग रहे होते, मैं देखता हूं तो लबालब रिटर्न मिल रहे होते हैं, क्योंकि अब रिटर्न की जब अपेक्षा में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पीछे देखते हो, और अमूमन ऐसा होता है जो पीछे होता है वो आगे नहीं होने वाला, पर अब वहीं पर जाते हैं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन एक साइंस पर हो कि लॉन्ग टर्म मतलब इक्विटी और शॉर्ट टर्म मतलब एफडी, तो मैं रिटर्न देख ही नहीं रहा। पर हम तो क्या था, शॉर्ट टर्म में भी सबसे ज्यादा कमाना चाहते हैं, यही तकलीफ शुरू है। हाँ जी, और कुछ सर, इन टैक्स सेविंग में हम जो भी हम करते हैं, हाँ ये देखिए टैक्स सेविंग करना चाहिए, क्यों गवर्नमेंट टैक्स सेविंग का प्रोविजन देती है, ताकि आप फोर्सफुली अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कर पाओ। गवर्नमेंट के पास सोशल सिक्योरिटी बॉन्ड्स किसके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल डिपेंड करता है गोल क्या है। अब मेरी डॉक्टर जो है 9 साल की है तो मैं तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और अगर आपकी डॉक्टर जो है 18 साल की तो एफडी में, तो मना कौन करता है। देखिए गोल क्या है, टैक्स सेविंग में भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर गोल लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी में करना चाहिए, शॉर्ट टर्म तो इक्विटी में नहीं करना चाहिए। हमेशा हर चीज अपनाना जरूरी नहीं है कि टैक्स देना होगा तो कई बार देना ही पड़ता है, अगर आपकी शॉर्ट टर्म जरूरत है। टैक्स सेविंग तभी करो जब अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पूरे करते हो। 5 साल की एफडी आती है, अगर आपको लगता है 5 साल बाद मुझे चाहिए ही चाहिए पैसा, आपने एफडी में डालने का मना कर रहा है, पर अगर 5 साल बाद नहीं चाहिए पैसा, 15 साल बाद चाहिए, तो एफडी में डालना बहुत बड़ी बेवकूफी। इट ऑल डिपेंड्स आपकी जरूरत क्या है। हाँ जी, ग्रुप
थैंक यू सो मच।